नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव की आचार संहिता लगने से पूर्व गहलोत सरकार ने एक बार फिर से पूरी ब्यूरोक्रेसी को मत डाला है। सोमवार देर रात आईएएस आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की जंबो तबादला सूचियों के बाद मंगलवार को बड़ी संख्या में आरएएस और आरपीएस अधिकारियों की तबादला सूचियां जारी की गई है। राज्य सरकार ने पुलिस महकमे में 78 एएसपी और 103 डीएसपी बदल दिए हैं, वहीं 183 आरएएस अधिकारियों के भी तबादले कर दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश में पटरी पर से उतरी कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आईपीएस अफसरों के बाद आरपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। इस बार भी तबादला सूची को देखने से साफ संकेत मिलते हैं कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और विधायकों की डिजायर का खास ध्यान रखा है। बदले गए अधिकतर पुलिस अधिकारियों के प्रति लंबे समय से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शिकायतें पुलिस मुख्यालय पहुंच रही थी। राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 78 एएसपी के तबादले किए गए हैं, जबकि पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार 103 डीएसपी के तबादले किए गए हैं। तबादला सूची देखने से साफ जाहिर होता है कि जनप्रतिनिधियों के डिजायर को मुख्यमंत्री ने महत्व दिया है। मंत्रियों और विधायकों के डिजायर के आधार पर एएसपी और डीएसपी लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र केकड़ी अजमेर में घनश्याम शर्मा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लगाया गया है। अशोक मीणा को आदिवासी बाहुल्य जिले डूंगरपुर का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लगाया गया है। चिरंजी लाल मीणा को प्रतापगढ़ का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लगाया गया है। चिरंजी लाल मीणा मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया के पसंदीदा अफसर रहे हैं। राम निवास को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी लगाया गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी तबादला सूची के अनुसार अंकित जैन को वृत्ताधिकारी कोटा शहर प्रथम जिला कोटा शहर लगाया गया है। अंकित जैन को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अनुशंसा पर कोटा में पोस्टिंग मिली है। इसी प्रकार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अनुशंसा पर वीरेंद्र कुमार शर्मा को वृत्ताधिकारी सीकर शहर जिला सीकर लगाया गया है। दरअसल राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की शिकायतें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पुलिस मुख्यालय पहुंच रही थी। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पुलिस अधिकारी आमजन के प्रति शालीनता से पेश नहीं आते हैं, कानून व्यवस्था के प्रति गंभीर नहीं है। इसका खामियाजा जिला परिषद और पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।